ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे सर वाह, ये तो कमाल हो गया, 10,000 कार्टन और आगे जाके डेली। सर बहुत आला बहुत आला। सर एक मिनट सर, आप जरा होल्ड करें, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, एक मिनट। शुक्र है वक्त पे आ गया, नहीं तो दूध जो है वो उबल ही जाता। चल अच्छा जी सर, सॉरी सर, मैं माजरा चाहता हूँ, वो जरा क्लाइंट की कॉल थी, मैंने कहा कॉल बैक करता हूँ आपको। अच्छा तो फिर मैं ऑर्डर पक्का समझू है? अच्छा सर बहुत थैंक यू सर, 10,000 जी 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 कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? सर आप होल्ड कीजिएगा, इस दफा अमेरिका वाले क्लाइंट की कॉल आई, मैं आपको अभी 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 होल्ड पे लेगा, होल्ड सॉरी सर, देख नहीं रही, दफ्तर के काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? दफ्तर का काम क्या भला बावर्ची खाने में करते हैं, तुमने क्या मुझे चरिया समझा हुआ है? क्या करूँ, आपकी भाभी ने बतौर मैनेजर और आपके भाई ने नौकर बना के रखा हुआ है, दोनों काम एक साथ संभाल रहा हूँ। अरे बाबा लानत भेजो ना इस नौकरी पर, मालिक बन जाओ, मुझसे शादी कर लो। हर वक्त शादी शादी शादी, शादी के अलावा भी कोई काम कर लो। ओ मैं तुमसे ज्यादा अच्छा काम करती हूँ, समझे तुम? हाँ इसमें तो कोई शक की बात नहीं, जो भी काम करोगी काम बेहतरीन तरीके से तमाम करोगी। आहो हटो, कौन है दिखाओ मुझे। अरे हटो तो सही। अरे ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या है? इसमें से आवाज आती है? हेलो माँ जरीना कैसे हो? अरे बुड्ढो तो सुनो जी जी, हम ही लोग दूध बेचते हैं, मैं इस कारोबार की और इस पूरे घर की मालिक हूँ। अच्छा ठीक है बेफिक्र हो जा, हमसे ही दूध लेना, खबरदार किसी और से लिया जी। हाँ हाँ ठीक है पक्का पक्का, बहुत खूबसूरत हो वैसे तुम, दूध हमें से लेना ठीक है। अच्छा तो मैं जाती करती हूँ, वाह बच्चू वाह, कर दी ना तुमने शोहरों वाली बात। अरे बाबा बैठो बैठो, गुस्सा नहीं कर। अरे बाबा मैं शोहर हूँ तो शोहरों वाली बात करूंगा ना, ये शोहर हो के मैं भाइयों वाली बात तो करने से रहा। ओ, ओ, मेरा मतलब है कर दी ना तुमने आम शोहरों वाली बात। इसका मतलब है बाबा मैं आम शोहर नहीं हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो ऐसे वैसे बातें कर देते हो तुम कभी, तुम तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे काउबॉय। ये जो आप बोलती हो ना बच्चू भाई काउबॉय, बड़ा मजा आता। अब बच्चों बस अब आईना ना, तुमने अपनी बहन की बातें नहीं करनी मुझसे ठीक है? अच्छा बाबा मैडम मैडम। अरे बाबा क्या हो गया, कुछ चुरा के भागा है क्या? अरे मैडम। ओहो बोलो भी। अरे क्या बताऊं, आज मैं ना वीडियो कॉल के ऊपर क्लाइंट से बात कर रहा था, 10,000 कार्टन की पर डे के हिसाब से डील बना ली थी मैंने। अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है, इस पर तो तुम्हें कमीशन भी मिलेगा, तुम खुश हो? तनख्वाह मिल नहीं रही, कमीशन की बात कर रही हैं आप? तुम ये इनकलाबी बातें मत करो, काम की बातें करो। अच्छा मैं आपको बता रहा था, मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, अच्छी खासी डील भी तय हो गई, बीच में वो आ गई जरीना, सारा मामला खत्म कर दिया उसने और मेरे बराबर आके खड़ी हो गई और मुझे कह रही साइड में हो, और फिर ना देखो बच्चू। अरे बाबा मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ है ना। ओहो मेरा मतलब सुन ले अपनी बहन की हरकतें, मैं बता रही हूँ उसे छोड़ूंगी। बाबा बिल्कुल मत छोड़ना, वो बहुत बेवकूफ है, भोली है बाबा, उसको जिंदगी भर साथ रख। ये जो तुम इतने भोले बन रहे हो ना अभी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इतने भोले तुम हो नहीं। अच्छा बाबा मैं क्या पकड़ा गया हूँ? हाँ मैं ना, मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगी। अरे बाबा सीमा सी बैठो बाबा, दोबारा बैठो बाबा, इस दफा मुझे भी बहुत गुस्सा है, मैं बात करूंगा उससे। बदतमीजी की हद तक तो ठीक था, ये कारोबार के बीच में आके मैं खराबी कर रही है, मैं बता रही हूँ बच्चों से फौरन वापस गांव भेजो। अरे बाबा आप ऐसा ना करें, मैं बहुत गुस्से में सख्ती से समझाऊंगा उसे, वो आइंदा नहीं करेगी, बस आप मुझे एक दफा वो बोल दे। वो क्या? अरे बाबा वो ही बच्चू माई कॉबॉय। अभी इस मोड में
पहले अपनी बहन को गांव वापस भेजो, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा पापा करता है, भी बात करता है उसे, गुस्से में करेगा, फिक्र नहीं करो। इधर हालात टाइट चल रहे हैं, इसके मजे लगे पड़े। ऐसा नहीं करेगा, चेक करो, डांटता नहीं अपनी बहन को कभी भी। अड़ी किधर है, चल गया क्या? गधा किधर चले गया? नजर अरे जरीना, अड़ी घोड़ा रे जरीना, क्या है भला? अरे बाबा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अदा तुम अपनी बीवी की बातों के अलावा और कुछ सुनते हो? जरीना तमीज से बात कर और ये बता कि ये क्या किया जानी के साथ? भला मैंने क्या किया है? अरे बाबा वो किसी से बात कर रहा था, तू बीच में कूद गई है। बीच में मैं नहीं कूदी, मैंने जो कुछ भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। और भला करूं मैं भी तो क्या करूं, शादी करना मैं चाहती हूं, जानी मुझसे शादी नहीं करता। मेरा मतलब है कि कोई मिलता नहीं है, मैं बात करती हूं तो तुम सब मिलके मुझे डांटना शुरू कर देते हो, और अब मैं काम करना चाहती हूं तो तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है मैं ऐसा करती हूं कि जाके खुदकुशी करके मर जाती हूं। इसका ना हर वक्त का यही है, जरा से कोई बात होती नहीं है, या तो मुंह बना लेती है, इस तरह रोते हुए चली जाती है बात बात पे। अरे बेगम आप भी तो कुछ सोचे ना, वो बेचारी इतनी काबिल होते हुए घर में बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है पूरा दिन, तो उसका कसूर नहीं है ना बाबा? अगर इतनी ही काबिल है तो स्कूल क्यों नहीं खोल के देते थे इसे? अरे बाबा क्या बात की है, अभी जाके जरीना को बताता हूँ। अच्छी बात है बाबा, अच्छी बात है। जरीना जानी, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैनेजर बदलना पड़ेगा। अरे मैडम अगर मैं सिर्फ मैनेजर होता ना फिर मेरी परफॉर्मेंस आप चेक करती। अब देखे आधे कपड़ों के साथ और पूरे पागलों के साथ, मेरा मतलब है कि पूरे घर के काम काजों के साथ कैसे परफॉर्मेंस अच्छी होगी? नहीं जानी ये सब तुम्हारी बहाने बाजियां हैं और कुछ नहीं। अच्छा जी, और आज जो हुआ है 10,000 कार्टन और वो भी रोज की बुनियाद से जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है वो मेरी नंद है क्या? तो मेरे लिए भी तो गंद है, मैं भी तुझसे जान ही छुड़ाना चाहती हूँ। बस एक बात है, बच्चू साहब ठीक ही कहते हैं, सारा दिन घर में फारिग घूमती रहती है, इस तरह तो घर का भी बेड़ा गर्क होगा और कारोबार का भी। तो फिर क्या किया जाए? अब अधूरी तनख्वाह में पूरे आइडियाज तो नहीं आते। जानी देखो अगर तुम मेरी जरीना से हमेशा के लिए जान छुड़वा दो तो मैं गारंटी देती हूँ अगले महीने तुम्हारी डबल तनख्वाह होगी। इतने छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात, ये ले फिर गर्मा गर्म आइडिया। ओहो भाई तुम मुझसे क्यों मना कर बैठ रही हो? ये सब ना तुम्हारी वजह से ही होता है, मेरे अदा ने मेरे को कभी भी डांटा नहीं। तुम आग लगाती हो, तुम्हें दूध का नहीं पेट्रोल बेचने का कारोबार करना चाहिए। एक बात नाराज की छोड़ दो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए काम का आइडिया लाई हूँ। कौन सा भला? अगर गलत बात की ना मैं तुम्हारा मथा फाड़ दूंगी। जरीना मेरी बहन, मैं भला तुम्हारे लिए कुछ उल्टा पुल्टा कैसे सोच सकती हूँ? अच्छा तो भला क्या बात है, जल्दी से बताओ। अब मैंने ना तुम्हारे लिए एक काम का आइडिया सोचा है, और काम बिल्कुल ऐसा है जैसी तुम हो। हाँ बाबा वो तो मैं हूँ, भला काम क्या है? अब देखो काम ऐसा है कि तुम जैसे मेकअप करती हो ना, बस वैसे ही तुम्हें मेकअप करना है, हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे और इंटरनेट पर डाल देंगे। अरे वाह बाबा वाह, ऐसे तो मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगी। हाँ ना, अरे ऑफिस ऑफिस के कामों में क्या रखा है वो आजकल जमाना इंटरनेट का है, देखा नहीं लोग कैसे मशहूर हो रहे होते हैं? अरे हाँ बाबा ये तो मैंने खुद देखा है। चलो ठीक है फिर इसमें काम करते हैं। ओहो काम वाम तुमने नहीं करने, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ मेकअप की तैयारी करो। ठीक है ठीक है, चल चल चल। अच्छा अच्छा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अब तो खुश हो ना, तुम्हारी बहन को काम पे लगवा दिया मैंने। अरे नहीं बाबा नहीं, हमारे खानदान की औरतें टीवी पर नहीं आती। टीवी पर थोड़ी, इंटरनेट पे। अरे बाबा ये तो उससे भी बुरी चीज है। नहीं बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो बच्चू थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना, अब अगर तुम्हारी बहन ऑफिस का काम करती तो क्या तुम्हें बुरा लगता? अब
जानी वो ऑफिस का काम इंटरनेट पर करता है, मैं सारा काम इंटरनेट पर करती हूँ, तो हम लोग क्या को गलत काम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो तुम? अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तैयार होना और लोगों को दिखाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा। मैंने सब सुन लिया है, अब मुझे पता चला कि इस घर में भाजाई नहीं बल्कि तुम मेरे दुश्मन हो। अरे जरीना कैसी बात करती है, मैं तेरे दुश्मन कैसे हो सकता हूँ? ऐसे जैसे तुम कर रहे हो। अरे जो तू सब करेगी अगर बाबा जानी ने इंटरनेट पे देख लिया तो? भला बाबा साईं को इंटरनेट चलाना कौन सिखाएगा? नीलो है? ये अब नीलो कौन है? अब कोई और भी बहन थोड़ा होगी। अरे नहीं नहीं बाबा, हमारी गाँव का नाम है नीलो। अरे बाबा जो मर्जी है करना है करो, लेकिन अगर ये बात बाबा जानी तक पहुंची ना तो मैं जिम्मेदार नहीं, बता रहा फिर खुद बोलना बाबा जानी को। सड़े तो रुगू। करने दो, तुम टेंशन नहीं लो, तुमने अपने मेकअप की तैयारी करनी है बस। हाँ हाँ हाँ, सारा सामान वामान मैंने मंगा लिया है, बाबा ने 50,000 रुपए भेजे थे सबका ले लिया। हाँ तो फिर शुरू करें। अरे बाबा पहले कट तो बोलो। पहले कट थोड़ी बोलते हैं, बाद में बोलते हैं, आखिर में बोलते हैं कट। तो भला शुरू में क्या बोलेंगे? शुरू में ऐसा करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। हाँ हाँ, चलो भाई 1 2 3 तुम बिस्मिल्लाह करो। ओके जी नाजरीन, तो ये हमारे पास है फाउंड स्टिक। इस फाउंड स्टिक को आपने ऐसे भर भर के अपने इस खूबसूरत चेहरे पे थप 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 के लगाना है, ठीक है? ऐसे 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 ऐसे। जो है ब्लश क्लीन, ठीक है? ये लगाएंगे आप अपने गाल पे, इसको रगड़ रगड़ के। आप टमाटर भी लगा सकते हैं, टमाटर से भी आपका कलर गोरा गोरा मेरा मतलब लाल लाल लगेगा, लेकिन देखो अभी मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, ठीक है? चलो अब क्या करना है भला? ओह कट कट, फोन लाइन तो तुमने बोली नहीं जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। अरे क्या था भला वो? हो, तुमने कहना है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ कोशिश करो। 1 2 3 बिस्मिल्लाह। ओह अच्छा नाजरीन, अगर आपको मेरी कोई वीडियो लाइक है तो आप मेरे को ब्राइब करें, शुक्रिया जरीना। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो बहुत ही फारिग है, वैसे ये भी अपलोड कर दी। मुझे तो लगता है ये वाली जो वीडियो है ना पहली और आखिरी दफा अपलोड हो रही है, इसके बाद तो लोग ढूंढते ढूंढते इसको यहाँ तक आ जाएंगे और मार मार के भगाएंगे। जानी मुझे इतनी हंसी आ रही थी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था उसके सामने। अच्छा किया आप हंसी नहीं। आप हंसी भी आ रही थी लेकिन पता है गुस्सा भी आ रहा था। भाई मेकअप तो मेरा ही इस्तेमाल करी थी ना, वो भी इतना महंगा वाला। मैडम जब भी नाजुक सूरत हाल हो ना महंगाई और हंसी पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, जब भी बचत होती है। अच्छा जानी वो मेरी ना दोस्त आई है भाई, गेट पे जरा जाकर उसको ले आओ। कुंवारी है जानी? इतने दिनों बाद आई हो, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो, लगता है तुम्हारी नन से तुम्हारी जान छूट गई। अरे अभी कहाँ, लेकिन अब अन करीब जान छूटने वाली है। अरे वाह, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी में आइसक्रीम, खीर, लस्सी, मिल्कशेक जैसी चीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ दूध से बनी हुई हो। हाँ अगर मसला है तो बिरयानी, पिज्ज़ा, ब्रोस्ट ले आना, जगह मैं दे दूँगी, ठीक है? एक तो यार तुम नाराज़ बहुत जल्दी हो जाती हो। भाजाई, ओ भाजाई, भाजाई मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, भला तुम यहाँ बैठी हुई हो? क्या हुआ जरीना, क्यों ढूंढ रही थी मुझे? भाजाई मुझे लगता है कि एक वीडियो से नहीं बल्कि हमें 2-4 वीडियो और बनानी पड़ेंगी। हाँ हाँ बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अरे भाजाई तुम मेरा कितना ख्याल कर दी, बहुत प्यारी हो तुम। बस ये मेरी दोस्त आई हुई है, ये चली जाए तो उसके बाद हम बना लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है अब 1 मिनट भाजाई, क्यों ना एक काम करें, तुम जानती हो कि मैं कितना सुटो मेकअप करती हूँ और मैं तो मशहूर भी होने वाली हूँ, ऐसा कर दे कि मैं तुम्हारी दोस्त के फेस पे मेकअप करूँगी और तुम मेरी वीडियो बनाना।
नहीं 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 नहीं, ये ऐसे कैसे मेकअप करा लेंगे तुमसे? अरे वाह, तुम्हारी नन को मेकअप करना भी आता है, करवाने दो ना मेरा मेकअप। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं करी बाबा। अरे बाजाई बताओ ना, मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ, कितनी खूबसूरत हो जाएगी ये। हाँ बहुत बहुत ही अच्छा मेकअप करती है ये। लेकिन जरी ना, हम ऐसे ही किसी को फ्री में क्यों मेकअप कर देंगे भला? लगता है तुम मुझसे जलती हो, तुम चाहती नहीं मैं असील लगूं। ठीक है भाई, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं क्यों ही रोकूंगी, करवा लो अपना मेकअप। लेकिन फिर एक शर्त है मेरी, जब जरीना तुम्हारा मेकअप करेगी तो तुम उस वक्त आईना नहीं देखोगी, जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो आखिर में सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। हैं डन? ओके डन, जाओ जाओ जरीना, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। बैग कौन लेगा, इसमें मेकअप का सामान है या नहीं है? अरे बाबा, अल्लाह पाक का फरमान है कि जन्नत में दूध की नहरें बहेंगी बाबा, नहरें, समझे कुछ नहीं? हाँ, इसमें समझना क्या है, सीधी सी तो बात है, जन्नत में दूध की नहरें बहेंगी। दोनों के दोनों जाहिल हैं बाबा। अरे बाबा, इसका मतलब ये है कि जन्नत में दूध वाले पहले से होंगे, वरना सोचो कि इतना दूध कौन लाएगा और कहाँ से आएगा बाबा। वाह बच्चू वाह, क्या बात कही है। अरे बाबा, ये क्या लेके घूम रहा है, इसमें से क्या निकलता है? अबे भाई, तुम्हें पता तो है कि मैं शादी की फोटोग्राफी करता हूँ, उसका कैमरा है ये। अरे बाबा, तो जाओ ना, यहाँ बैठ कर हमारा टाइम क्यों जाया कर रहा है। अबे यार, इधर दो, तुम छोड़ो यार। जाओ बाबा जाओ, दरवाजा बंद करते हुए जाना बाबा। अरे बाबा, ये तो जरीना की चीख है, नहीं किसी और की है बाबा, देखना पड़ेगा। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। हाय हाय हाय, ये भी बहुत मैली लग रही है, ये भी अपलोड कर देता हूँ। अहला हाय, उफ यार, इसने खुद नहीं देखा अपने आप को। आहा, ये भी अपलोड हो गई वीडियो। आहा, ये भी अपलोड। क्या कर रहे हो तुम? सीमा मैडम, इतनी भयानक औरतें मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वैसे वाकई जरीना के मेकअप के बाद तो औरतें लगी नहीं रही, चुड़ैले लग रही हैं, चुड़ैले। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने सारी वीडियोस और तस्वीरें नेट पे अपलोड कर दी है। पहुंच कैसा आ रहा है? इतनी जल्दी थोड़ी आएगा, अभी तो अपलोड किए। लेकिन एक काम मैंने किया, घर का एड्रेस भी डाल दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? ताकि लोग आके ना, घर पे आके लानते दें उनको, तब कहीं जाके आपके सर से जान छुटेगी। वाह वाह वाह, क्या दिमाग पाया तुमने। थैंक यू, बस इसी खुशी में मेरी तनख्वाह डबल कर दे जरा। इतनी छोटी बात नहीं, अभी काम हुआ नहीं, हो रहा है ना, देखते हैं। अरे मैडम समझे, काम हो गया, मैंने ऐसा काम किया कि आपकी सोच होगी। वेरी गुड जानी, वेरी गुड। अच्छा चलो, खैर ये 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 हाय 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 हुई हुई, ये भी अपलोड कर देता हूँ, ये लो। अदा अदा, क्या है जरीना, क्यों शोर मचा रहा है? अदा, आपको पता है मैंने उस चौकरी का ऐसा मेकअप किया कि उसकी चीखें निकल गई, जबरदस्त बना आ गया। वाह मेरी बहन, मुझे तुझ पे फखर है, चीखें तो मैंने भी सुनी थी। हाँ अदा, देखो अब तुम ना मुझे जलना छोड़ दो, ठीक है, मैं करीब बहुत मशहूर होने वाली हूँ। अरे बाबा, मशहूर होकर अपने अदा को भूल तो नहीं जाएगी। देखो अदा, अगर हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो शायद मैं तुमको भूल जाऊँ, लेकिन तुम एक काम करना, तुम मेरे पास आते जाते रहना ताकि मैं तुमको याद रख सकूं। अच्छा ये बता, लोग तेरी वीडियो पसंद करेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं करेंगे, बहुत करेंगे, तुम देखो तो सही, मैं मशहूर होने वाली हूँ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है बाबा, अच्छी बात। आइए 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 आइए, शाबाश कैमरे वाले भाई, आइए 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 मैडम, आइए आइए भाई। देखिए इस मोहल्ले में ना मेरे अलावा कोई मशहूर बंदा नहीं रहता। आप लोगों के बेहद इसरार पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं,
आजकल की खवातीन हर शोबे में अव्वल हैं। जी हाँ, हर शोबे में। ओ भाई, ओ कौन है, ये क्या शोर मचा हुआ है? देखे नाजरीन, ये रही हमारी हर दिल अजीज, जिन्होंने लोगों के लबों पे मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं। जी कैसी हैं आप? मैं तो भला ठीक हूँ, आप कौन हो? अरे इंटरनेट पे आपकी कॉमेडी वीडियोस देखें, कल रात से लेकर अब तक लाखों लाइक्स आ चुके हैं और लोग तो हंस हंस के पागल हो गए हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। अरे नहीं बाबा, वो कॉमेडी की वीडियो थोड़ी थी, वो तो छोकरियों को खूबसूरत बनाने की मेकअप वाली वीडियो थी, नए नए तरीकों के साथ। नाजरीन देखा आपने, इन्होंने एक और कॉमेडी का वार कर दिया है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। मुझे लगता है कहानी उल्टी हो गई। ये लाखों लाइक्स कहाँ से आए और कैसे आए? पता नहीं कैसे, चलो खाते देखो देखो। अरे बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मजाक वाली बात मुझको समझ नहीं आई। हाँ बल्कि थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। अच्छा ये सब छोड़े, हम चाहते हैं कि आप अपने काम को मजीद आगे बढ़ाएं, इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करें और इसको प्रोफेशनल तौर पर सर अंजाम दें, तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है? हाँ बाबा बहुत कुछ सोचा है, क्यों नहीं। वीडियो बनाना हो या पैसे कमाना हो, ये मेरी भाजाई है ना, ये सारा काम यही देखेगी, इसने मेरी बहुत मदद की है। क्यों भाजाई? अरे अदा इधर करो ना, वीडियो इसकी बनाओ, इसकी मेरी भी बनाओ बनाओ बनाओ। मैं फैसला कर चुकी हूँ, इस दफा मैं शादी करके ही जाऊंगी। शादी करके जाने का? लड़का कौन है? कल कोई भी चलेगा। आए, इसका मतलब है बाबा पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं है, वो थोड़ी जिद्दी है, बात बात पर जिद्दी बहस करती है। अरे बाबा ये तो दिमागी मसला है, और ये तो अपनी जरीना के साथ भी है। वाह, आज पहली दफा तुमने क्या सही बात की है। आपके घर में ना जानी? क्या जानी? वो तो हमारे मुलाजिम है जी। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे उसी से शादी करनी है बस। किसकी तस्वीर है ये? क्यों भला मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, मैं इससे शादी करने वाली हूँ। इससे शादी मैं करूँगी। खबरदार। अरे मैंने कह दिया ना, शादी मैं ही करूँगी। अरे आज मेरी बेगम की सालगिरह है ना, इसलिए। बेगम? बेगम 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 की सालगिरह। बेगम? हाँ बेगम। ये तुम शादीशुदा हो? नहीं मतलब क्या है करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।